क्वेश्चन किसमें लगाएंगे? फॉलिंग में, जैसे कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, फॉलिंग, वेयर डू यू लर्न दैट व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आर यू हैप्पी? आर यू एक्साइटेड? आर यू रेडी? ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट personality, right? As I've told you already, but I'm going to just ask to all of you that what is personality, how many types of personalities are there, and what is the full form of SEMS and all. So let's learn first of all personality. Personality, right? Now see, personality means, tell me, personality means? The quality of a person. That's why I told you that this is made up of two words, right? Person plus quality. The quality of any person is called personality. Like somebody has the singing art, somebody has the dancing art, somebody has learning art, somebody has speaking art. It means that they have a different personalities. Sabke paas alag alag personality hai. Most of the people compare their personality with their physique only. खुद की फिजिक से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ बिग लाइक बाइसेप्स एंड ऑल द बॉडी मसल्स एंड सिक्स एब्स, सब लोग कहेंगे यार इसकी पर्सनलिटी बहुत अच्छी है, बट इससे हम कंपेयर नहीं करते हैं। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, राइट? तो ये ऑलरेडी बोलना पड़ रहा है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस। सो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन मीन्स क्वालिटी कैन बी डिफरेंट टाइप्स, राइट? द क्वालिटी कैन बी सिंगिंग, द क्वालिटी कैन बी यू नो स्पीकिंग, द क्वालिटी कैन बी डांसिंग, एनीथिंग कैन बी देयर। सो उसी क्वालिटी को बोलते हैं हम लोग पर्सनैलिटी। सबके पास पर्सनैलिटी है, इसीलिए हम कौन सी क्लास ले रहे हैं आज? PD, पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट। जो भी हमारे पास पर्सनैलिटी, उसको क्या करेंगे? और इम्प्रूव करेंगे, उसी को डिवेलप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू द थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज इन द वर्ल्ड, IE and A। हु विल टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ इट? Introvert, extrovert, and ambivert. Introvert means that who is self-centered, who talks to himself, who just loves his company own, right? जो अपनी खुद की कंपनी को पसंद करे, अपने साथ रहना पसंद करे। For example, I have given you the example of marriage party. If you go to any marriage party और वहाँ पे आपके दोस्त आके आपसे chill out करना चाहते हैं, लेकिन आपको अजीब सा uncomfortable सा feel हो रहा है, और आप क्या करोगे? वहाँ से खटाक से खिसक लोगे, और एक जगह खड़े होकर खुद से ही बातें करना, खुद से ही सारी चीज़ें समझना कि क्या हो रहा है, कैसे, किसी से बात नहीं करना, खुद अकेले रहना पसंद करते हो। ऐसी क्वालिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट। एंड द सेकंड वन इज दैट एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मींस, हाँ, एक्स्ट्रो मतलब बाहर, राइट? हु जस्ट लव टॉकिंग अदर्स, राइट? जो दूसरों से बात करना पसंद करे जिसको, राइट? जो पब्लिक में रहना पसंद करता है, अकेले बड़ा बोरिंग फील करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स्ट्रोवर्ट बोलते हैं। तो आप में से कई लोग एक्सट्रोवर्ट होंगे, कई लोग इंट्रोवर्ट होंगे, तो हमें क्या करना है? अपने आप को क्या बनाना है? एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट मींस हु हैज द बोथ क्वालिटी, जिसके पास दोनों क्वालिटी हो, इंट्रोवर्सी भी हो और एक्सट्रोवर्सी भी हो, ठीक है? यानी कि हम अकेले भी रह सकते हैं और दूसरों से बात भी कर सकते हैं, लोगों के साथ रह सकते हैं, एकदम बढ़िया से बात कर सकते हैं, हमारे अंदर कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी। इसका मतलब हमारे कौन सी क्वालिटी, हम कौन से हैं? एम्बीवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मींस जिसको बस लोगों से बात करना पसंद होता है, अकेले बेचारा मरने लग जाएगा, खुद से भगवान से दुआ मांगना, उठा लो भगवान, है ना? ऐसे इंसान को बोलते हैं हम लोग एक्सट्रोवर्ट ओनली। तो हमें एक्सट्रोवर्ट भी नहीं बनना है ओनली, इंट्रोवर्ट भी नहीं बनना है। इंट्रोवर्ट मतलब बस खुद से ही बात करना और किसी से कुछ मतलब देना नहीं, ठीक है? तो हमें क्या बनना है? एम्बीवर्ट, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम अपनी पर्सनैलिटी को डिवेलप कैसे करें। जब तक हम अपने बारे में एनालाइज नहीं करेंगे, खुद को जानेंगे नहीं, कैसे जानेंगे? मैंने आपको SEMS बताया था, SEMS। तो पहले तो फुल फॉर्म में जान लो आप लोगों से कि SEMS का मतलब क्या होता है। SEMS मीन्स S फॉर स्पिरिचुअल, लाइक वी हैव टू डिवेलप आवर क्वालिटी फ्रॉम स्पिरिचुअल। एक तो हो गया आपका स्पिरिचुअल क्वालिटी, दूसरा ई फॉर इमोशनल, वेरी नाइस, टेल मी अदर वन, मेंटल, फिजिकल एंड वेरी नाइस। दिस इज कॉल्ड योर मेंटल क्वालिटी, राइट? दैट यू हैव अब्सॉर्ब्ड एवरीथिंग। आपको सब कुछ समझ में आ गया, तो ये आपकी मेंटल क्वालिटी कैसी अच्छी है कि आपको समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें समझ रहे हो, माइंड का यूज करके बोल रहे हो, आपकी वाली क्वालिटी तो अच्छी है। मेंटल क्वालिटी कैसी है आपकी? दैट्स वेरी नाइस। स्पिरिचुअल मीन्स, हाँ, टॉकिंग अबाउट धर्मा,
राइट एंड गॉड सिस्टम बिलीव सिस्टम, ठीक है, भगवान से रिलेटेड बातें होते जो करते हैं वो सब स्पिरिचुअलिटी में आती है। अगर कोई पूजा कर रहे हैं तो उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना, उसको गाली उली नहीं देनी है, कोई अजान पढ़ रहा है तो उसको भी हमें गाली नहीं देना है। ये कौन सी क्वालिटी में आता है? स्पिरिचुअल क्वालिटी आती है। तो क्या आपकी स्पिरिचुअल क्वालिटी अच्छी है? डू यू नॉट अब्यूज एनीबॉडी? किसी को किसी धर्म के लिए गाली तो नहीं देते ना कि ये अजान पढ़ रहा है, ये बहुत अखंड रामायण कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना हम लोग के अंदर। यानी कि हमारी स्पिरिचुअल क्वालिटी कैसी है? अच्छी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्पिरिचुअल क्वालिटी बहुत ही खराब होती है, वो गाली देते हैं, वो दंगा करते हैं, ठीक है, धर्म को लेकर रोज विवाद करते रहते हैं, तो उनकी स्पिरिचुअल क्वालिटी कैसी है? बकवास है, खराब है। एंड द सेकेंड वन इज इमोशनल। यस, इमोशनल मीन्स भावुक, जैसे सिचुएशन वैसा इमोशन दिखाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हर्ट हो जाए, चोट लगे तो आप पे जाके हंसने लग जाना, अरे तुम्हें तो चोट लग गई, छोटी बच्ची हो क्या, तो वहाँ पे हमें हंसना नहीं है, राइट, हमें क्या करना है, दुख प्रकट करना कि यस ही इज लाइक ही इज इंजर्ड, तो आई शुड ऑल्सो पे सम ट्रिब्यूट टू हिम कि यार हाँ यार तुम्हें चोट लग गई, चलो हम हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हंसना नहीं है किसी की लाइक इमोशनल बातों पे, राइट, अगर कोई दुख प्रकट कर रहा वहाँ पे हंसने नहीं लग जाना, अरे क्या यार व्हाट इज दिस, है ना। अगर कोई हंसी की बात कर रहा तो वहाँ पे रोने नहीं लग जाना, मतलब कि हमें जैसा सिचुएशन वैसे इमोशन दिखानी जरूरी है। गॉट द पॉइंट? और आप लोगों के इमोशन तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, राइट, तो एक बार स्माइल करके दिखा दो, बियर स्माइल ऑन योर फेस, बियर स्माइल ऑन योर फेस। आप देखो कोई रोने वाला फेस मत दिखा दियो, बियर स्माइल ऑन योर फेस, जैसा भी आप लोग हंसी दिखाते हो दिखाओ, स्माइल, वॉट अ ब्यूटिफुल स्माइल, राइट, स्माइल 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 सबको, सर सर कैमरे में थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा, स्माइल स्माइल एवरीवन, चेहरा, हाँ राइट, जिसकी स्माइल सबसे अच्छी लगेगी सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। यहाँ पे नाम अगर आपको नहीं पता है डोंट वरी, आप यहाँ पे कलर कॉम्प्लेक्शन से बता सकते हो, कपड़े के कॉम्प्लेक्शन से बता सकते हो कि कौन से कपड़े वाले बंदे की स्माइल बहुत अच्छी है, ऑलराइट, सो एवरीबॉडी स्माइल, राइट, ओके। नाउ लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट, मेंटल, आई हैव टॉक्ड अबाउट, मेंटल का मतलब होता है कि मानसिक, मानसिक रूप से आप कैसे हो, क्या मानसिक आपका बढ़िया काम करता है कि नहीं करता है। मान लो कहीं पे बातें चल रही हैं फिजिक्स की, आप बात करने लगे केमिस्ट्री की, इसका मतलब आपका माइंड कनेक्ट अच्छा नहीं है, आपका माइंड कनेक्शन अच्छा नहीं है, आप मेंटल से अच्छे नहीं हो, मेंटल आपका डिस्टर्ब हो गया, आप माइंड से लेस हो रहे हो, तो ये मेंटल क्वालिटी होती है। ये आपको टीचर्स वगैरह आपके इंप्रूव कराते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं ताकि आपके माइंड यूज़ होता रहे और आप उसे इंप्रूव करते रहो। एंड द पी फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक फिजिकल, एवरीबॉडी नोज फिजिकल मतलब जो कुछ भी दिख रहा है बाहर से वो आपकी फिजिकल क्वालिटी होती है। आपकी बॉडी फिटनेस कैसी है, आपके हेल्थ कैसा रहता है, क्या आप हमेशा छींकते तो नहीं रहते हो, क्या आप हमेशा जमाई तो नहीं लेते रहते हो, ये सब कौन सी क्वालिटी में आएगा? फिजिकल क्वालिटी में आएगा। आपने अपने ड्रेसेस कैसे पहन के रखे हुए हैं, आपने अपने आप को सजाया कैसे है, क्या आपने आप, क्या आपसे बदबू आ रही है, क्या आपने सेंट परफ्यूम लगाया या नहीं लगाया, कुछ ये सब भी बातें आपकी फिजिकल में आती है। गॉट द पॉइंट? ये सब भी आपकी पर्सनैलिटी को डाउन या तो टॉप कर सकती है। अगर आपने मान लीजिए किसी ऐसी पार्टी में गए हो और आपने नहाया नहीं है, तो बिना नहाए चले गए स्मेल स्मेल आएगा, और आप जहाँ भी खड़े हो जाएंगे हाय हाउ आर यू, अंदर से मेंटल क्वालिटी तो अच्छी है, बात करना आता है, सोशल भी अच्छे आप, लेकिन आपकी फिजिकल अच्छा नहीं है, आपने बॉडी का ऑर्डर नहीं समझा, वहाँ पे आपने स्प्रे वगैरह नहीं लगाया, लाइक आपने कोई परफ्यूम नहीं लगाया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी तुरंत इंसल्ट हो जाएगी और आपकी वो पर्सनैलिटी वहीं पर डाउन हो जाएगी। समझ में बात है, छोटी छोटी बातें मैं केयर करनी है अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करने के लिए। Spiritual, emotional and mental we have talked about, and we have also talked about physical. The third, the last one is social. Social is the most important part of our personality. Social matlab hume samajik hoke rehna hai. We have to talk to the society member. Jo elder hai usse elderly behave karna hai. Jo hamare junior hai, younger hai, unse hume juniorly, angrily baat karna hai. Kaise ho, kya hai, pranam, assalam alaikum, ye sab karna zaruri hai. Ye sab nahi karoge to sari ki sari padhai likhai bekar ho jati hai. Right, aap sabhi ko pata hai. Kehte hai na ki padh likhe bekar hai ye. Isko kuch nahi aata. अगर आप सोसाइटी में बात करने का आपके पास तमीज़ नहीं है, तरीका नहीं है, तो क्या होगा, आप लोगों को गाली देंगे सब, भले से आपको फिजिक्स बहुत अच्छी आती है, इंग्लिश बोलना बहुत अच्छा आता है, जब तक आप सोसाइटी में अच्छे से बिहेव नहीं करोगे तब तक आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो हमें ये क्या करना है, ये सेम्स को अच्छा करना है, राइट, वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेम्स। सो आर यू रेडी टू इम्प्रूव योर सेम्स? ओके, से विद मी, सेम्स सेम्स सेम्स, आई वांट टू